गुड न्यूज है, दीपावली महाधमाका ऑफर, 30% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे 10 नवंबर की स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास में, जहां आप इक्विटी फ्यूचर ऑप्शन कहीं भी ट्रेड कर सकते हैं सीखने के बाद। तो जी हां, पहली बार हम आपको दे रहे हैं 30% का डिस्काउंट, जहां आप सीख के कमा सकते हैं। तो मौका ना जाए, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए 30% डिस्काउंट वैलिड है। 9708094321 पे कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए कि आखिर कैसे आप सीख सकते हैं, क्योंकि हम आपको इंट्राडे स्विंग, पोजिशनल सब कुछ सिखाएंगे। फिर आपको बच्चों की तरह दिन भर मार्केट देखने की जरूरत नहीं, किसी इंडिकेटर को देखने की जरूरत नहीं, किसी और चीज के पीछे भागने की जरूरत नहीं। आप रात में स्टॉक सेलेक्ट करेंगे हमारी तरह और अगले दिन एक घंटे में कमाएंगे और घर जाएंगे। लेकिन उसी के लिए क्या होगा, सरस्वती माता को लाना पड़ेगा इस लक्ष्मी पूजा अपने घर। तो कॉल कीजिए। आपने बचपन में राजा रानी की कहानी तो सुनी ही होगी, कैसे उस कहानियों में युद्ध के बाद राजा से सब कुछ छिन जाता है और उसके बाद राजा फिर से आर्मी बनाता है और फिर से अपना राज्य पाने की कोशिश करता है। यही होता है ना? तो ऐसा ही स्टॉक मार्केट में भी होता है। कभी कंपनियों का टाइम अच्छा चल रहा है तो कभी बुरा चल रहा है, और बुरा होने में अच्छी कंपनियां क्या होती है, एक पेनी स्टॉक में तब्दील हो जाती हैं, और फिर पेनी स्टॉक में जब तब्दील होती हैं तो वो वापस से अपना अच्छा टाइम लाने की कोशिश करती हैं। जिसका एक एग्जांपल कल हमने सुजलॉन की ग्रोथ स्टोरी आपके साथ शेयर की है, अगर आपने नहीं देखी हो तो ज़रूर देखिएगा। और आज हम ऐसी ही एक कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं जो पावर से लेकर सीमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तक सभी बड़े इंडस्ट्री में कंपनी काम करती है, अभी भी एक्टिव है, मगर हालत बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब है। अब ऐसे समझो 332 रुपये पर ट्रेड करता था, अभी 18 रुपये पर ट्रेड कर रहा है और 1 रुपये का लो लगा चुका है, ठीक है ना, 1 रुपये का लो लगा चुका है। तो नीचे से एक अच्छा खासा रिटर्न हुआ, कितने परसेंट का रिटर्न हुआ कमेंट में जल्दी से बता दीजिए। और हम बात कर रहे हैं जेपी ग्रुप की कंपनी, जेपी एसोसिएट की। 1 अगस्त से नवंबर तक 140% का रिटर्न दिया है, और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि कंपनी लॉस में है मगर रैली कम ही नहीं हो रही है। और जब ऐसा होता है तो रिटेल बाय की क्वेरी आ जाती है, क्यों बढ़ रहा है, बाय कर लें क्या, पोर्टफोलियो में तो प्रॉफिट बुक कर लें क्या, आखिर क्या टर्न अराउंड आया है। तो आज हम सब जानने वाले हैं कि भैया क्या मामला खराब हुआ था जो ये शेयर इस बुरी तरीके से गिरा है, और उसके बाद क्या अच्छा हुआ है, जो तेजी हुई है या अच्छा हुआ भी नहीं है, और सिर्फ ऐसा दिखाया जा रहा है कि कुछ अच्छा हुआ है जहां पर मोस्टली टाइम रिटेल वाले फंसते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, पहली बार कुछ नया लाने की वापस से कोशिश कर रहे हैं, जैसे सुजलॉन में कल एकदम लाइव दिखाया था screener.in पे और आप लोगों ने भी कहा नहीं बहुत अच्छा है, तो ऐसा ही कुछ यूनिक बात करेंगे और लर्निंग देंगे। तो जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन हिट कर लें। तो उनके बिजनेस को समझते हैं, तो नोएडा बेस्ड कंस्ट्रक्शन कंपनी, एक जमाने में यूपी में तूती बोलती थी, मेनली इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट है, पावर, रियल एस्टेट डेवलपमेंट, होटल, हॉस्पिटलिटी, स्पोर्ट्स जैसे बिजनेस में इन्वॉल्व है। रेवेन्यू अगर लाएंगे तो फर्टिलाइजर सेगमेंट से 43.63% का रेवेन्यू, कंस्ट्रक्शन सेगमेंट से 36.32% और रियल एस्टेट से 11.48%। यानी अगर हम कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट को मिला दें तो 47% के आसपास का है, याद रखिएगा क्योंकि ये आगे काम आने वाला है। 4.81% होटल और हॉस्पिटलिटी से आता है, 3.76% अदर सेगमेंट से आता है, ठीक है। तो सेगमेंट वाइज अगर आपने गौर किया तो कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट से कितना हो गया, 47.8%। पहले जो है ना ये रेशियो और भी ज्यादा था, मतलब मैक्सिमम रेवेन्यू कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट से आता था, और जब तक ये बिजनेस अच्छा चल रहा था तब तक सही था। जैन 2008 में कंपनी ने न्यू हाई बनाया था 339.85 का, उसके बाद 2008 का सब प्राइम क्राइसिस आया जिसके बाद ग्लोबली रिसेशन आया, क्योंकि ये क्राइसिस कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट से रिलेटेड था, तो सभी कंपनी गिरे, सभी कंपनियों की हालत भी खराब हुई, यानी रियल एस्टेट की कंपनी हालत खराब हुई। लेकिन अगर आप गौर करोगे तो रियल एस्टेट की बहुत सारी कंपनी नीचे से कवर भी कर गई, कुछ बॉटम पे ही रह गए, और उन बॉटम में से एक हो गया आपका जेपी एसोसिएट। तो ये थी हिस्ट्री, ठीक है। अब आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि सभी कंपनियां रिकवर तो की बट ये क्यों नहीं किया। तो इसका जवाब हम जो आपको कहे ना न्यू कॉन्सेप्ट से देंगे, और ये कॉन्सेप्ट पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। तो यहां पर मैं क्लियर कर दूं कि किसी गवर्नमेंट के फेवर की बात नहीं कर रहा हूं, किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, हम इन्वेस्टर हैं, पैसा लगाते हैं, तो बस हम देखने की कोशिश करते हैं नजरिया क्या है। क्योंकि आपको याद हो
तो अभी कुछ दिन पहले हमने जब वीडियो बनाई थी कि स्टॉक मार्केट में जो मिस्टर वुड थे जेफरीज के हेड, उन्होंने क्या बोला था कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं आती है तो 25% की गिरावट आएगी। उसका क्या लॉजिक था उन्होंने बताया था, मैंने डिटेल में वीडियो बनाई थी कि पॉलिटिक्स यानी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट आता है, एक मजबूत सरकार बहुत इंपॉर्टेंट आती है। तो वो वीडियो देख लीजिएगा क्योंकि उसको यहाँ लाकर वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जैसा कि हमने बताया कि 2008 के क्राइसिस में क्या हुआ, सभी कंपनी के साथ ये शेयर गिरा और 339 से 31.35 का लो बनाया। इसके बाद अक्टूबर 2009 तक 31.35 से वापस 179.95 रुपीस तक रिकवर किया और फिर सितंबर 2014 में जेपी एसोसिएट ने 31.35 का लो ब्रेक कर दिया, यानी एक रिकवरी हुई और उसके बाद वापस से जो प्रीवियस लो था वो तोड़ दिया और उसके बाद वापस नहीं आ सका वहीं पर। इसके बाद 2014 से मार्च 2023 तक जब हमने एनालिसिस की तो ये निकाला कि इनका सेल 19,832 करोड़ से घटकर 7,263 करोड़ हो गया, लगभग 63.37% सेल गिर चुका है। और इतना ही नहीं, मार्च 2014 तक कंपनी के पास 9,826 करोड़ का रिजर्व था और मार्च 2023 तक कंपनी का रिजर्व -1,742। जी हां बिल्कुल सही सुना है, रिजर्व ही नहीं है, उल्टा क्या है, निगेटिव में है। कंपनी पे इतना ज्यादा कर्ज है कि नेटवर्थ -1,251 चल रहा है करोड़ में। तो अब कहानी क्या है, कंपनी का डेट टू इक्विटी 226 है, मतलब इक्विटी से 226 टाइम ज्यादा कर्ज कंपनी पे। इसके अगेंस्ट में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जब हम देखते हैं तो वो है 0.38, मतलब अपने कर्ज पे जितना इंटरेस्ट पे करना होता है उतना तो रेवेन्यू भी जनरेट नहीं कर पा रही है। तो फिर भैया दौर क्यों लगा रहा है शेयर, यही होता है सोचने का सवाल। सिर्फ दौड़ते घोड़े पे ऐसे देखा, पैसा नहीं लगा दिया, चार दिन पैसा कमा लिया, उसमें खुश नहीं होने का, क्योंकि हमको स्टॉक मार्केट में जिंदगी भर कमाना है, दो दिन नहीं। इन्वेस्टर या ट्रेडर जो मार्केट में नए होते हैं ना, वो दो दिन से खुश होते हैं, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं चार दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। आप प्लीज जरूर कमेंट में बताइए कि आप लोगों ने कई बार ऐसे भागते घोड़े पर पैसा लगाया होगा, चार दिन की चांदनी भी हुई होगी और उसके बाद किसी न किसी शेयर में ऐसे ही लत के कारण आपके पैसे डूबे होंगे। प्लीज कौन सा शेयर था कमेंट में जरूर बताइएगा और हम कंटिन्यू करते हैं इसकी स्टोरी को। तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी के ऊपर 19,097 करोड़ का डेट था। जिन बैंक ने कंपनी को लोन दिया था उन्होंने ज्वाइंट लेंडर फॉर्म के थ्रू कंपनी के लोन को डीप रिस्ट्रक्चर किया। बैंक और फाइनेंशियल कंपनी जेपी एसोसिएट के एसेट के थ्रू जैसे तैसे अपना पैसा निकालने में लगी थी। अभी के टाइम में अगर कर्ज देख लें तो 16,458 करोड़ का है, कितना कम हुआ, सिर्फ 3,000 करोड़। कोई फर्क पड़ा, कुछ नहीं। प्रमोटर का अप्रोक्स 20% शेयर प्लेज है। तो ये हो गई इसकी आत्मकथा, राइट। अब यहां पर सवाल आता है, ऐसा हुआ क्यों? तो जैसा कि मैंने आपको जेफरीज वाली स्टोरी तो आपको बता दी, तो यहां पर इस एनालिसिस को हम लोग जो इकोनॉमिक्स के नजरिए से देखते हैं कि किसी भी कंट्री का गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और जिन कंपनियों का गवर्नमेंट के साथ अच्छा रिलेशन होता है उनको अच्छा बेनिफिट मिलता है, जिसके बारे में आप लोग हमेशा बोलते रहते हैं। मैं नहीं बोलूंगा, अभी मोदी सरकार में आप लोग किसके साथ कनेक्शन की बात करते हो, मैं नहीं बोलूंगा, बट आप समझ सकते हो कि ऐसा ही कुछ हुआ। क्योंकि हम इस स्टोरी में जाकर कुछ उंगली नहीं करना चाहते हैं, बट हम आपको एक एनालिसिस बताना चाह रहे हैं। तो जेपी एसोसिएट इसका लाइव एग्जांपल है कि 2014 में ही कंपनी ने अपना वो लेवल ब्रेक किया था जो 2008 के क्राइसिस के वक्त भी ब्रेक नहीं हुआ था। अब आप मुझे बताएं 2014 में क्या हुआ था, तब तक मैं बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं, क्योंकि 2014 को जिसने समझ लिया कहानी क्लियर है। इनका मैक्सिमम बिजनेस उस सेगमेंट में आता है जिसमें सरकार का उंगली है, जैसे कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, पावर, फर्टिलाइजर, और इन सेगमेंट में ये एक्टिव है और सरकार भी उतनी एक्टिव है, कब रूल लाना, कब हटाना, कब क्या करना, और जिनकी मोहब्बत वो सब सही। और ये सभी बिजनेस सेगमेंट कैपिटल इंसेंटिव सेगमेंट का पूरा पानी की तरह पिया जाता है पैसा इन सेगमेंट में, और काफी फंड की जरूरत होती है। तो जब तक सपोर्ट था, कंपनी के पास ऑर्डर बुक था, प्रोजेक्ट था, लोन मिलता रहा, सब सही चला। जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुआ वैसे ही 2014 से कंपनी का दिन खराब शुरू हो गया और किसी दूसरी कंपनी का दिन अच्छा शुरू हो गया। एक यूनिक एनालिसिस बहुत बोल्ड तरीके से रखने की कोशिश कर रहे हैं आपके सामने। वीडियो को लाइक करके मोटिवेट जरूर कीजिएगा। तो कर्ज में कंपनी डूबती चली गई,
कोई दूसरी कंपनी कर्ज लेकर बढ़ती चली गई और उस कंपनी को कोई नहीं रोका, ये कंपनी डूबा। ध्यान से, तो आपके सामने एक कंपनी का चार्ट है जिसमें आपको क्लियरली दिखा है मई 2014 से रैली स्टार्ट हुआ और शेयर आज तक आसमान में ही है। और वहीं पर आप इस कंपनी का चार्ट देखिए, 2014 के बाद से कभी रिकवर भी नहीं कर पाया। तो अब जैसा कि हमने आपको यही सिखाने की कोशिश किया कि सरकार के साथ कनेक्शन होना, जो सरकार से रिलेटेड बिजनेस है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही वो कॉन्सेप्ट अब लाइव आप समझ पाएंगे कि क्यों जेफरीज हेड ने ये बात कही थी कि 25% गिर सकता है, अब आप रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, जेपी एसोसिएट के केस में आप जेपी एसोसिएट के एनुअल रिपोर्ट में देख सकते हैं, इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन बिजनेस के चैलेंज में कंपनी ने क्लियर लिखा हुआ है कि ई एंड सी एक्टिविटी में लार्ज वर्क फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है और अब गवर्नमेंट डायरेक्टिव की वजह से लार्ज वर्क फोर्स कंपनी डिप्लॉय नहीं कर पा रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कंपनी ने कहा है। इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए कंपनी टेंडर भी फील कर रही है, मतलब कंपनी कोशिश कर रही है बट सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो ये थी पूरी कहानी जिसमें आपने देखा कि कैसे अच्छी भली कंपनी खाक में मिलती है, राख में मिलती है और इन्वेस्टर के भी पैसे डूब जाते हैं। और नई तरीके से सिखाने का तरीका, अब ये सब तो ठीक है बट सवाल आता है कि अब क्या कैसे रैली हुई। वहां पर कुछ पॉइंट है जो समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले न्यूज आई कि अदानी ग्रुप जेपी ग्रुप के सीमेंट बिजनेस को बाय करने वाला है। तेजी दिखी मगर बाद में फिर ये हो गया कि नहीं भैया, ये ऐसी कोई डील नहीं हो रही है, बट रैली तो हो चुकी थी। इसके बाद कंपनी का लेटेस्ट क्वार्टरली रिपोर्ट में कंपनी का लॉस कम हुआ है। प्रीवियस क्वार्टर में इनका लॉस था 316 करोड़, लेटेस्ट क्वार्टर में 183 करोड़। ये लॉस कम हुआ था अदर इनकम की वजह से, क्योंकि कंपनी अपना एसेट सेल कर रही है बट जो लोग होते हैं खिलाड़ी वो इसका फायदा उठाते हैं और जो होते हैं अनारी उनको लगता है अरे बाबा लॉस कम हुआ यानी सब अच्छा है। तो कंपनी में खिलाड़ी पैसा कमाते हैं और अनारी वहां पर घुसते चले जाते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट है कंपनी का आने वाला बोर्ड मीटिंग। 9 नवंबर को कंपनी के बोर्ड का बोर्ड मीटिंग है जिसमें बोर्ड मेंबर्स कुछ डिस इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, जिसके बाद कंपनी के पास काफी कुछ फंड आने की बात चल रही है। इसका यूज या तो कम कर्ज करने पर होगा, जो कर्ज है उसको कम करने पर होगा, या जो प्रोजेक्ट है उनको कंप्लीट करके रेवेन्यू जनरेट करने पर। इसके अलावा जेपी एसोसिएट में रैली की एक वजह जो मुझे लगती है वो है आने वाला इलेक्शन। शायद मार्केट पार्टिसिपेंट को ऐसा लगता हो कि अगर फिर से गवर्नमेंट चेंज हुआ तो जेपी ग्रुप का टाइम बदल जाएगा, शायद ऐसा माना जा रहा है। तो ये सब वो चीजें हैं जिससे आप रैली देख रहे हो। यहाँ पर अगर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर के पास 37.71%, FIA के पास 0.89%, DIA के पास 1.33% और पब्लिक के पास 60.07% की होल्डिंग है। यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, प्रमोटर होल्डिंग नहीं बढ़ रही मगर FII और DIA की होल्डिंग थोड़ी थोड़ी बढ़ी है जो आपके स्क्रीन पर है। और ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि जब किसी ऐसे मरे हुए शेयर में FII और DIA की होल्डिंग बढ़ती है तो रिटेल वालों का इंटरेस्ट जागता है। तो यहाँ मैं फाइनेंशियल के डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि कंपनी अभी भी लॉस में है, कंडीशन कुछ भी सही होता नहीं दिख रहा, सेल डाउन ट्रेंड में है, न्यू ऑर्डर मिल नहीं रहा है, जो ऑर्डर है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, कर्ज काफ़ी ज़्यादा है जिसे कंपनी पे नहीं कर पा रही है, और जो रैली हुआ है एजम्पशन का खेल है, उम्मीदों का खेल है, कोई फंडामेंटल की कहानी नहीं दिख रही है। और जब फंडामेंटल की कहानी नहीं दिखती है तो फिर ऐसी कहानियों में कहा जाता है भैया मेहनत के पैसे हैं, खून पसीने के पैसे हैं, वो ना करिए कि खून पसीने के पैसे डूब जाएं, और करना भी हो तो वही बात है उतने पैसे जो डूबे भी तो तकलीफ ना हो। तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो कमेंट में बताइएगा, और उसके बाद भी कोई सवाल रहे हो तो कमेंट में बताइएगा, बट मैंने अपनी तरफ से बहुत ईमानदार सटीक एनालिसिस और क्लियर कट पॉइंट देने की कोशिश की है। क्या आपको समझ में आया, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अब हर एक IPO चाहे SME का हो या मेन बोर्ड का हो, उसकी हर एक छोटी से छोटी अपडेट आपको हमारी ब्लॉग पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पढ़ने पे मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को सेव कर लीजिए, लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। बहुत मेहनत से हर एक IPO की सारी अपडेट हम आपके लिए लाते हैं और बहुत कुछ मिलने वाला है।